कोरोना से युद्ध के साथ मंत्री उषा ठाकुर ने संभाला पर्याप्त पानी के लिए मोर्चा। कैबिनेट मंत्री पर्यटन संस्कृति एवं आध्यात्मिक विभाग एवं महू विधायक सुश्री उषा ठाकुर ने महू गांव क्षेत्र में विकट पेयजल समस्या के निवारण के लिए कांकेरपुरा तालाब महू गांव का दौरा किया तथा इस तालाब को तत्काल गहरीकरण करते हुए उसकी जल पुनर्भरण क्षमता को बढ़ाने का निर्देश दिया। आगामी कुछ दिनों में उक्त तालाब को गहरा करते हुए इसकी क्षमता को 50,000 क्यूबिक मीटर बढ़ाया जाएगा तथा वर्तमान में यहाँ पर 0.56 MLD का फिल्टर लगा है। इसके स्थान पर 2.5 MLD का फिल्टर तत्काल लगाने हेतु माननीय जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट जी से चर्चा की। इस तालाब के गहरीकरण से महू गांव क्षेत्र में पेयजल समस्या का निराकरण होगा। साथ ही इस तालाब के गहरीकरण से निकलने वाली मिट्टी से गायकवाड़ के फूटे हुए निस्तार तालाब की पाल बनाई जा रही है, जिससे उक्त तालाब में संग्रहित पानी को आसपास के क्षेत्रों तक उपलब्ध करवाया जाएगा। इस दौरे में उनके साथ स्थानीय वरिष्ठ भाजपा नेता श्री राम किशोर जी शुक्ला एवं जगदीश जी पाटिल भी रहे। दीदी ने इंदौर कलेक्टर से चर्चा कर बेका तालाब की भूमि के तत्काल निराकरण का आदेश भी कलेक्टर को दिया। घोड़ा खुर्द के फूटे तालाब को पीएचई विभाग के स्थान पर सिंचाई विभाग को स्थानांतरित कर तुरंत सुधरवाने के आदेश जारी किए। गोकलिया कुंड तालाब के शीघ्र निर्माण की स्वीकृति हेतु दिल्ली में केंद्रीय जल संसाधन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी से इस विषय पर चर्चा की। उन्होंने ही जल्द स्वीकृति हेतु आश्वस्त किया। इसके बाद मंत्री जी महूगांव नगर पंचायत की सुपर सिटी में रहवासियों से भी मिली, जहां उनका स्वागत किया गया एवं अन्य स्थानीय विकास कार्यों पर उनसे चर्चा की गई। श्री राम किशोर शुक्ला, SDO मिश्रा जी एवं पूर्व पार्षद जगदीश पाटिल ने उन्हें क्षेत्र की अन्य समस्याओं एवं उपलब्धियों के बारे में बताया। इस हेतु रितेश व्यास, प्रतीक वाघ, समर्थ सोलंकी, रिंकू आदि उपस्थित थे।